Assalamu alaikum, myself Akshashbir, role number 5 from BBA 6. Now I discuss about product and brand personification. What is product and brand? Companies make product and consumer make brand. मतलब companies product बनाती हैं और consumer जो है वो brand बनाता है. Now I would talk about what is personification. Implementation of human character on non-living thing is personification. मतलब किसी human character का किसी non-living thing पर implement कर देना, कोई भी human character non-living thing पर attach कर देना personification कहलाता है, जैसे कि feeling, movement, attachment. For example, plants are dancing. Dancing is a human character. Then I talk about brand personification. What is brand personification? It is a set of human traits and characteristics assigned to brand. किसी भी ह्यूमन कैरेक्टर का किसी भी ब्रांड के साथ किसी भी ह्यूमन कैरेक्टर को किसी ब्रांड के साथ अटैच कर देना ब्रांड पर्सोनिफिकेशन कहलाता है. जैसे कि मिस्टर कॉफ़ी इज सीन एज डिपेंडेबल, फ्रेंडली, एफिशिएंट, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट. पर्सनैलिटी लाइक ट्राइट एसोसिएटेड विद ब्रांड. एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रांड पर्सोनिफिकेशन आर पेरिडो चिकन्स, फ्रेशनेस, नाइक, एथलीट, BMW, परफॉर्मेंस ड्राइवन. एक्चुअली ब्रांड पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी भी ह्यूमन करेक्टर को या कोई भी ह्यूमन क्वालिटी को किसी भी ब्रांड के साथ अटैच करना. मतलब कंपनी जो है वो ब्रांड बनाती हैं और ब्रांड के अंदर फीलिंग्स डाल देती हैं, कोई भी ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन करेक्टर, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर या कस्टमर होता है वो ब्रांड के साथ अटैच हो जाता है, उसकी ब्रांड के साथ अटैचमेंट हो जाती है और वही ब्रांड परचेज करता है. इसे हम ब्रांड पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. कोई भी कंपनी कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस को, उनकी परसेप्शंस को देख के ब्रांड बनाती है. जैसे कि BMW है, ये इट इज़ अ लग्जरी प्रोडक्ट. ये जो रिच पीपल होते हैं वो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक मतलब BMW यूज़ करते हैं. वो मतलब कोई भी प्रोडक्ट होता है वो अपनी उसमें ह्यूमन क्वालिटी अटैच होती है. No, I talk about brand personality. What is brand personality? Brand personality is a human-like character which company gives to brand. मतलब किसी भी ब्रांड को ह्यूमन लाइक करेक्टर देना, जैसे कि वो सिंसियर हो, इंटेलिजेंट हो, लॉयल हो, स्ट्रॉन्ग हो, फ्लेक्सिबल हो, रिजिड हो, परफॉर्मेंस देने वाला हो या ट्रस्टेबल क्वालिटीज हो उसके अंदर. फॉर एग्जांपल पेप्सी की पर्सनैलिटी यूथ, एनर्जेटिक, क्रिएटिव. कोई भी कंपनी अपने ब्रांड के अंदर वही करेक्टर दिखाना चाहती है कस्टमर को जो कि उसके जो कि ह्यूमन के करेक्टर होते हैं, ताकि कस्टमर की ब्रांड के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो सके, कस्टमर ब्रांड के करीब आ सके. एक्चुअली ब्रांड पर्सनैलिटी इज़ हाउ टू ब्रांड बिहेव. कस्टमर विल बाय द ब्रांड दैट दे एसोसिएट विद देयर ओन पर्सनल वैल्यू. मतलब कस्टमर अपने वैल्यूज़ को सामने रख के अपनी परसेप्शन के मुताबिक ब्रांड के अंदर वो क्वालिटीज़ देकर जो कि जो जैसा कि वो चाहते हैं उन सबको देकर मतलब जो ब्रांड परचेज करते हैं वो ब्रांड की पर्सनैलिटी कहलाती. किसी भी पर्सन की तरह ब्रांड की ब्रांड का नाम होता है, ब्रांड की पर्सनैलिटी होती है, उसका करेक्टर और उसकी रेपुटेशन होती है. इस ये किसी कोई भी ब्रांड अपने पास्ट परफॉर्मेंस पर जज किया जाता है. ये ज़्यादा सम फर्दर एग्जांपल्स ऑफ ब्रांड पर्सनैलिटी, वीवो सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, नाइक एथलीट. दिस इज़ अनदर डेफिनेशन ऑफ ब्रांड पर्सनैलिटी. अ इमोशनल आइडेंटिटी फॉर अ ब्रांड विच प्रोड्यूस सेंटीमेंट्स एंड फीलिंग्स towards the brand. This is also called brand personality. Now we talk about anthropomorphism. Anthropomorphism refers to attributing human characteristics to something that is not human. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन कैरेक्टर दे देना anthropomorphism कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल जब हम प्रोडक्ट को पर्सोनीफाई करते हैं तो हम ऐसा ह्यूमन ट्राइट ऐड कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, कोई भी ऐसी फीलिंग डाल देते हैं ब्रांड के अंदर जिसकी वजह से कस्टमर की अटैचमेंट हो जाती है ब्रांड के साथ. फॉर एग्जांपल जैसे कि आईफोन यूज़र्स हैं जो वो उनके आईफोन के साथ अटैचमेंट हो जाती है और वो आईफोन ही यूज़ करते हैं, वो कोई दूसरा एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ नहीं करते. ब्रांड पर्सनैलिटी रिलेट विद टू ह्यूमन कैरेक्टर्स. फर्स्ट वन अटैचमेंट एंजाइटी एंड सेकेंड वन अवॉइडेंस एंजाइटी. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांड पर्सनैलिटी एंड ब्रांड पर्सोनिफिकेशन. दीज आर द सम फर्दर डायमेंशन ऑफ ब्रांड पर्सनैलिटी. Sincerity, excitement, competence, rigidness, down to earth, honest,
cheerful, daring, spirited, up to date, reliable, intelligent, successful, and tough. Now I talk about product personality and gender. First of all, I talk about product personality. What is product personality? Product personality refers to the set of personality characteristics that people use to describe the specific product. मतलब किसी भी product की वो characteristics जो के customer product purchase करने से पहले देखता है इनको imagine करता है ये product personality का product personality and gender. A product personality frequently endows product and brand with gender. It often used for brand personality. For example, some product perceive as masculine and some product perceive as feminine gender. मतलब किसी भी ब्रांड को जेंडर के साथ अटैच कर दिया, जैसे कि मिस्टर कॉफ़ी, फॉर एग्जांपल मिस्टर कॉफ़ी वाज गिवन एज मैस्कुलिन पर्सनैलिटी. मिस्टर कॉफ़ी को हम मैस्कुलिन जेंडर के तौर पर लेंगे क्योंकि मिस्टर का वर्ड आ गया, इसलिए उन्होंने मिस्टर कॉफ़ी ब्रांड को मैस्कुलिन जेंडर का नाम दे दिया कि ये एक मेल प्रोडक्ट है. किसी भी ब्रांड की पर्सनैलिटी को जेंडर वाइज देखा जाता है कि ये मेल चीज़ है या ये फीमेल चीज़ है. जैसे कि कॉफ़ी एंड टूथपेस्ट आर मैस्कुलिन जेंडर एंड बाथ सोप्स एंड शैम्पूज आर फेमिनिन. अदर एग्जांपल्स ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स आर क्लीनिंग होम केयर प्रोडक्ट्स आर फेमिनिन प्रोडक्ट्स एंड बाइक कार आर मैस्कुलिन प्रोडक्ट्स. देन आई टॉक अबाउट प्रोडक्ट पर्सनैलिटी एंड जियोग्राफी. कंज्यूमर एसोसिएट सम ब्रांड्स विद देयर जियोग्राफिक लोकेशंस. फॉर एग्जाम्पल एप्पल इज अमेरिकन ब्रांड. सर्टन प्रोडक्ट्स इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर पोसेस अ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल लोकेशंस. एक्चुअल लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज द पर्सनैलिटी जियोग्राफी ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब कुछ प्रोडक्ट्स और चीज़ों को इनकी जियोग्राफी से अटैच किया जाता है, इनकी लोकेशन की वजह से, इनकी जियोग्राफी की वजह से इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल का जब भी हम नाम लेते हैं हमारे जहन में दो चीज़ें आती हैं कि ये होता कहाँ है और ये बनता कहाँ है. मतलब ये ज़्यादातर यूज़ जो होता है ये यूरोप में यूज़ होता है और इस ये बनता है सियालकोट में. सियालकोट इज़ द लार्जेस्ट फुटबॉल इंडस्ट्री. यहाँ से फुटबॉल बन के अब्रॉड कंट्रीज़ में जाते हैं. जैसे कि हम अगर एप्पल की बात करें, एप्पल एक अमेरिकन ब्रांड है. एप्पल को जब भी हम हमारे माइंड में आएगा ये अपनी इसकी जो शनाख्त होगी वो इसकी जियोग्राफी से अटैच होगी, ये अमेरिकन ब्रांड के नाम से ही जाना जाए.